नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी में आजकल एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, किसी भी कोने में अगर अवैध निर्माण करोगे तो सरकारी बुलडोजर आ जाएगा। आजकल यूपी में योगी जी और उनका प्रशासन कम बोलता है और पीला पंजा ज्यादा बोलता है। यूपी में डंडे से ज्यादा पीले पंजे का जोर है। ये पीला पंजा भी मदहोश हाथी की तरह अपने पूरे शवाब पर है और इसका निशाना सिर्फ बाहुबली नेता है जिन्होंने अवैध रूप से अपना कब्जा किया। आजकल पीले पंजे ने यूपी में जो कोहराम मचाया है उससे अच्छे अच्छे बाहुबलियों की सांसें थम रही है। जिन बाहुबली नेताओं की कभी तूती बोला करती थी आजकल वो डरे डरे नजर आ रहे हैं और उनकी गगनचुंबी इमारतें और आलिशान भवनों की अकड़ जेसीबी तोड़ रही है और इसी के साथ साथ बाहुबलियों की भी। योगी का डंका यूपी में इस कदर बज रहा है कि बाहुबली नेताओं के कानों से खून निकल गया है। योगी ने बता दिया कि राज्य में सुशासन की सरकार चलेगी और जिन नेताओं ने सपा बसपा और कांग्रेस के टाइम में काली कमाई कर बड़े बड़े मकान खड़े किए थे, जमीन पर अवैध कब्जा किया था, अब उन सबका हिसाब होगा। फिर चाहे वो आजम खान हो, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, एक एक करके सबके आलिशान मकान धाराशाही किए जा रहे हैं। नेताओं में अब इतना खौफ है कि खुद के मकान भी तोड़ने लगे। उन्हें डर है कि पीला पंजाब उनके घर की गर्दन ना पकड़ ले। सरकारी जेसीबी का इतना खौफ कि खुद ही अपना अवैध निर्माण गिराने लगे। ताजा मामला भदोही के विधायक विजय मिश्र के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। जिस कॉम्प्लेक्स पर कभी विजय मिश्र के बाहुबल का विजय पताका लहरा रहा था, आज उस कॉम्प्लेक्स को वो खुद तोड़वा रहे हैं। उन्हें डर है इस बात का कि कहीं अवैध निर्माण के कारण उनका पूरा कॉम्प्लेक्स ना तोड़ दिया जाए। दरअसल विजय मिश्र के घर वाले प्रयागराज में बने अपने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह नेस्तनाबूद होने से बचाने के लिए उसके ऊपरी दो मंजिलों को खुद ही गिरवाने में लगे हैं। आप ये वीडियो देखिए, कितनी मेहनत से मजदूर कॉम्प्लेक्स के ऊपरी दो मंजिलों को तोड़ रहे हैं। ये टूटा हुआ घर नहीं, ये टूटती हुई अकड़ है। ये सबूत है कि अब सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो झूठ इस कदर ही बिखर जाता है। झूठ के भरोसे की गई दीवार आज खुद ब खुद टूट रही है। एक एक ईंट इस बात का गवाह है कि अब बाहुबल नहीं चलेगा। विजय मिश्र के परिजनों को डर इसलिए भी है क्योंकि विजय मिश्र के करोड़ों रुपए के आशियाने को सरकारी अमला पहले ही मिट्टी में मिला चुका है। बता दें कि विजय मिश्र का अल्लाहपुर स्थित आलिशान गिराने के बाद यही बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी प्रदेश सरकार के रडार पर था और जल्दी उसे जमींदोज करने की तैयारी भी चल रही थी। बस कानूनी दावपेच के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ। इससे पहले कि सरकारी बुलडोजर अपना मुंह फाड़ता हुआ इस कॉम्प्लेक्स को हजम कर जाता, बाहुबली विजय मिश्रा के घर वालों ने एक कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर की दो मंजिला तोड़ने का काम पे लगा दिया है। बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए से सिर्फ दो मंजिले का नक्शा पास करवाया गया था, लेकिन विजय मिश्रा ने अपने बाहुबल अपनी ताकत के दम पर दो मंजिला से अधिक इमारत और नीचे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। इस निर्माण को पीडीए ने अवैध करार दे दिया था। इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट समेत नीचे की दो मंजिल पर 20 से ज्यादा दुकानें और शोरूम थे, जबकि ऊपर की दो मंजिल पर कार्यालय और लॉज चलते थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से सिर्फ दो मंजिल का ही नक्शा पास करवाया गया था। अब एक एक करके बाहुबली निशाने पर आ गए हैं तो विजय मिश्र के परिवार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देकर अवैध निर्माण को खुद ही गिराए जाने की बात कही है। इससे पहले कि कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से धाराशाही कर दिया जाता, उसे बचाने के लिए विजय मिश्र के परिवार ने एक कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर की दो मंजिल गिराने का ठेका दे दिया। ऊपरी दो मंजिलों को तोड़े जाने का काम भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इस काम में तकरीबन 1.5 दर्जन मजदूर और इंजीनियर लगे हुए हैं। कहीं हथौड़े चल रहे हैं तो कहीं ड्रिल मशीन के जरिए दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है। ये टूटा हुआ कॉम्प्लेक्स बताता है कि रावण भी बेशक लंकापति था, सोने के महल में रहता था, देव और दानव भी उसके कब्जे में थे, पर अहंकार ने उसे तोड़ दिया। योगी के इस कदम पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।